इस वर्ष जिस किसी भी परीक्षार्थी ने मैट्रिक या इंटर की परीक्षा में भाग लिया है, परीक्षा का संचालन पूरी तरह से कदाचार रहित, स्वच्छ और उत्कृष्ट माहौल में किया गया है। और निश्चित रूप से ऐसी कठिन परीक्षा व्यवस्था से जो भी परीक्षार्थी गुजरे हैं, वे सभी बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। मैं सभी विद्यार्थियों से अपील करना चाहूँगा कि अब जो परीक्षा का परिणाम आने वाला है, इसमें यदि आपके अच्छे परिणाम आते हैं, यदि आपको अच्छे अंकों की प्राप्ति होती है, निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। यदि किसी कारणवश आपको उतने अच्छे अंक प्राप्त नहीं हो पाते हैं, तो भी इसमें निराश नहीं होना है, इसमें धैर्य नहीं खोना है, क्योंकि जिंदगी की सफलता के आगे कई सोपान हैं, कई चरण हैं। यदि आप कठिन परिश्रम और मेहनत के साथ यदि आप तैयारी करते हैं, तो भविष्य में भी आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में या अन्य जिस किसी भी करियर को आप चुनेंगे, उसमें निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। और आपके उन्नत भविष्य के लिए बिहार बोर्ड कामना करता है, और हम सभी लोगों की यह कोशिश रहेगी कि आप लोग बेहतर से बेहतर अंकों के साथ आप उन्नत भविष्य की ओर अग्रसर हों। सभी विषयों में 50% अंक OMR के माध्यम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखे गए थे, तो उन सभी OMR की स्कैनिंग की कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ साथ जो अलग अलग फ्लाइंग स्लिप्स और मार्कशीट, अवार्डशीट इत्यादि जो भी इस बार तैयार किए गए हैं, उसकी स्कैनिंग की कार्रवाई की जा रही है। इस सारी प्रक्रियाओं के पूर्ण होने में अभी कुछ समय लगेगा। ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि इंटरमीडिएट का रिजल्ट कभी भी घोषित किया जा सकता है, और उसी प्रकार उसके ठीक बाद इंटरमीडिएट की परीक्षा के रिजल्ट के डिक्लेरेशन के कुछ समय के बाद मैट्रिक की भी परीक्षा की घोषणा, की परीक्षा फल की घोषणा बहुत जल्द कर दी। सर, मूल्यांकन खत्म हो गया? मूल्यांकन लगभग समाप्त हो चुका है, और मैट्रिक इंटर दोनों का सर ना लगभग समाप्त हो चुका है, और अब इसके रिजल्ट प्रोसेसिंग की कार्रवाई की जाए। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने देखा और सुना कि बिहार बोर्ड अध्यक्ष श्री आनंद किशोर जी को द्वारा बताया गया कि इंटर व मैट्रिक कॉपी का मूल्यांकन लगभग समाप्त हो चुका है, और अब से इंटरमीडिएट का रिजल्ट कभी भी किसी वक्त जारी किया जा सकता है। वहीं पे आपको हम बताना चाहेंगे, इंटरमीडिएट रिजल्ट के बाद मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया जाएगा। आपको हम बता दें कि बिहार बोर्ड सूत्रों की माने तो इस बार का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आने जा रहा है। आपको हम बताना चाहेंगे, उम्मीद की जा रही है कि इंटर और मैट्रिक का रिजल्ट 90% से अधिक बच्चे पास होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं पे आपको बताते चले कि अधिकतर बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास होने की उम्मीद है। आपको हम बता दें कि बिहार बोर्ड सूत्रों की माने तो इंटरमीडिएट का रिजल्ट होली से पहले कभी भी किसी वक्त जारी किया जा सकता है। आपको हम बता दें, वहीं पे दोस्तों इंटरमीडिएट रिजल्ट के बाद मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया जाएगा। दोस्तों, आपको हम बताना चाहेंगे, बिहार बोर्ड की माने तो सबसे पहले इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी किया जाएगा, यानी कि दोस्तों कक्षा 12वीं का रिजल्ट पहले जारी किया जाएगा, वहीं पे दोस्तों इंटरमीडिएट रिजल्ट के बाद कक्षा 10वीं यानी कि मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया जाएगा। दोस्तों, आपको हम बताना चाहेंगे, जैसे ही बिहार बोर्ड इंटर या मैट्रिक का रिजल्ट जारी करता है, आप सबसे पहले कहां से कैसे चेक कर पाएंगे, चलिए आपको हम सीधे लेकर चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे। तो जैसे ही बिहार बोर्ड इंटर या मैट्रिक का रिजल्ट जारी करता है, आपको सबसे पहले चेक करने के लिए सिंपली सबसे पहले जाना है गूगल में, और यहां पर जाकर आपको इस प्रकार से टाइप करना है DKC रिजल्ट। जी हां दोस्तों, आपको इस प्रकार से गूगल में टाइप करना है DKC रिजल्ट। जैसे ही से आप सर्च करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन होकर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा नीचे की ओर स्क्रॉल करना है, और यहाँ पर दोस्तों आपको DKSE रिजल्ट का ऑफिशियल वेबसाइट सबसे ऊपर में देखने को मिल जाएंगे। तो सिंपली आपको इस वाले पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस प्रकार से सिंपली थोड़ा नीचे की और स्क्रॉल करना है, ठीक है। इस प्रकार से थोड़ा दोस्तों नीचे की और स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा रिजल्ट का एक कैटेगरी, और सबसे ऊपर में देखने को मिलेगा बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर रिजल्ट 2022 डेट एंड टाइम, इस तारीख को इतना बजे होगा जारी मैट्रिक इंटर का रिजल्ट। तो सिंपली आपको इस वाले पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन होके आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको इस प्रकार से नीचे की और स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, मैट्रिक इंटर रिजल्ट से जुड़ी आपको संपूर्ण जानकारी यहाँ पे दोस्तों दिया गया है। आप लोग चाहे तो इसे पढ़ भी सकते हैं, और जैसे ही बिहार बोर्ड इंटर या मैट्रिक का रिजल्ट जारी करता है, तो आप लोगों को यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से इस पोस्ट को नीचे की और स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे दोस्तों आपको इंपोर्टेंट लिंक्स देखने को मिलेगा, और यहाँ पे दोस्तों आप लोग क्लिक करके रिजल्ट चेक कर पाएंगे। जैसे ही बिहार बोर्ड रिजल्ट जारी करता है, तो यहाँ भी दोस्तों आपको लिंक दिया गया है 10th रिजल्ट वेबसाइट, यहाँ पे दोस्तों आप क्लिक कर सकते हैं। 12th रिजल्ट के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं।
तो सभी छात्र एक बार जरूर विजिट करें DKSC रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट और यहाँ पे दोस्तों आप आगे मैट्रिक इंटर रिजल्ट से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो फटाफट दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इस वीडियो में था इन्फॉर्मेशन, यही था अपडेट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आपसे हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।